हाय दोस्तों, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं मुरादाबाद से 40 किलोमीटर दूर बंबूगढ़। वहां पर जो है एक बहुत पुराना वाटर पार्क है और काफी अच्छा है, काफी नाम सुना है उसका। मैं एक दो बार वहां पर जा चुका हूं, तो मैं आपको दिखाने वाला हूं। अमरोहे के पास में ही वो बंबूगढ़ पड़ता है और मात्र मुरादाबाद से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और वहां का नज़ारा देखते हैं कैसा रहेगा। हम पांचों लोग निकल चुके हैं बंबूगढ़ के लिए, जो वहां पर एक छोटा सा वाटर पार्क है और काफ़ी अच्छा बना रखा है उन लोगों ने। और दो वाटर पार्क पड़ते हैं वो आसपास में। एक तो वाटर पार्क आपको ये पड़ेगा और एक जो मेन वाटर पार्क है बंबूगढ़ में, वो वहां पर जाकर हम आपको दिखा देते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं बंबूगढ़ और ये आप देख रहे होंगे मेरे पीछे अमरोहा वाटर पार्क के नाम से इसका नाम है। और अपोजिट नियर रोडवेज संबल रोड बंबूगढ़। आप अगर आप यहाँ पर आते हैं कभी, तो आप जो है जोया रोड से, दिल्ली रोड से जोए की तरफ, जोए से आप यहाँ अमरोहे की तरफ जब आएंगे, तो अमरोहे के पुल से पहले ही एक कट है राइट हैंड को, जो बंबूगढ़ को जा रहा है। तो इसका अमरोहा वाटर पार्क के नाम से आप यहाँ पूछ कर किसी से भी आ सकते हैं, अमरोहे से रोड। और ये देखिए, ये है अमरोहा वाटर पार्क के नाम से, ये है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप कार, बाइक या किसी भी चीज़ से आते हैं, तो यहाँ पर जो है 30 रुपये जो है कार की पार्किंग है और 20 रुपये शायद बाइक की पार्किंग है। और बाकी टिकट वगैरह मैं देख लेता हूँ अंदर चलकर कितने का है। और आप अगर लोकल में कहीं वाटर पार्क ढूंढ रहे हैं, तो अच्छा आपको, आप लोगों के लिए अच्छा वाटर पार्क रहेगा। बंदे का 80 रुपये का टिकट है। और इस बच्चे का, इसका ना लिया, बंदे का जो है 80 रुपये का टिकट है। 5 टिकट है। ये हमारे साथ हैं अरमान और क्या कहते हैं जावेद भाई और सुहेल और क्या कहते हैं हमारा एक छोटा बच्चा भी आया, हमारा बेटा फिहान मलिक। बेटा हाय कर दो, बहुत गुस्से में है। अब आगे अंदर लेकर चलते हैं। पार्किंग के बाद लेफ्ट हैंड में जो टिकट काउंटर पड़ेगा और सामने है मेन गेट। और इतना सस्ता पुल आपको कहीं नहीं मिलेगा वाटर पार्क कहीं भी। और ये हमने ये गेट में एंट्री की, अब हम करने वाले हैं इसके मेन गेट में एंट्री। और ये सामने का नज़ारा आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा। स्विमिंग पूल के अंदर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था, काफ़ी भीड़ लग रही थी और काफ़ी सब लोग एंजॉय ले रहे थे इसके नीचे, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा। अगर आप कोई आसपास में ही अपने कोई वाटर पार्क ढूंढ रहे हो और काफ़ी सस्ता वाटर पार्क ढूंढ रहे हो, तो भाई इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा आपको। मात्र 80 रुपये का टिकट और आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पूरे दिन यहीं पर रहिए। और अब मैं इसकी स्लाइडिंग की बात करूँ, तो देखिए ये है इसकी स्लाइडिंग और काफ़ी मज़ा आ रहा था, काफ़ी इन्जॉय ले रहे थे लोग, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा था, तो इसी चक्कर में मैं जो है स्लाइडिंग वगैरह पर नहीं गया। लेकिन मेरे साथ जो पार्टनर थे मेरे, वो सब लोग इस स्लाइडिंग पर गए थे। ये देखिए कितने इन्जॉय कर रहे थे और काफ़ी वहाँ पर लोग इन्जॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था स्विमिंग पूल में। और वहाँ पर आपको जो है काफ़ी चीज़ें वहाँ पर जो है एक्टिविटी करने के लिए मिल जाती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्विमिंग पूल में, अगर मैं बात करूँ तो आपको जो ट्यूब वगैरह भी मिल जाता है, जिसमें आप बैठकर आराम से उसमें घूम सकते हैं। देखिए कुछ बंदे इसमें घूम भी रहे हैं और सब लोगों ने इन्जॉय किया, मैंने भी काफ़ी इन्जॉय किया और काफ़ी मज़ा आ रहा था। अमरोहा में ये पड़ता है बंबूगढ़ में, आप जा सकते हैं, काफ़ी सस्ता ही आपको मिलेगा। पता चल गया टू पे क्या है। ये कितना कह रहा, वो बहुत गहरा। यहाँ पर जो है सॉन्ग वगैरह बज रहे थे, तो इसीलिए मैंने कॉपीराइट के डर से जो है मैंने यहाँ पर वॉल्यूम जो है ख़त्म कर दिया था। यहाँ पर मैं जो है अलग से वॉल्यूम वॉइस ओवर लगा रहा हूँ और काफ़ी हमने इंजॉय किया, बहुत मज़ा आ रहा था। और भाई ऐसा लग रहा था जैसे कि ऊपर से बरसात हो रही हो, और ये हमारा जो है पानी रुक चुका है।
आई होप गाइस आपको ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा। जहाँ तक हमें स्लाइडिंग वगैरह करनी थी, मुझे तो बहुत डर लग रहा था तो मैंने नहीं की, लेकिन इन लोगों ने स्लाइडिंग वगैरह की है। और ये देखिए कैसे डांस वगैरह कर रहे हैं ये। और ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।